हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अमरेंद्र सिंह। आज हम पढ़ेंगे फाइनाइट एलिमेंट मेथड। बीई 8 सेमेस्टर का यह सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही जरूरी होता है। एक इस पहले यूनिट में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, जो आप लोग का यूनिट 1 है, फॉर्मूलेशन ऑफ फाइनाइट एलिमेंट इक्वेशन, इसका पूरा नाम है। इसमें हम लोग फाइनाइट एलिमेंट इक्वेशन के गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे कैसे स्टार्ट होते हैं इसके बारे में जानेंगे, डोमेन रेसिड्यूअल विद वेटेड रेसिड्यूअल के बारे में जानेंगे, इन सब चीज़ों का स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं नोड और एलिमेंट से। तो नोड क्या होता है? ये नोड है और इन तीन नोड से मिलकर दो एलिमेंट बना है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि नोड एक पॉइंट होता है और एलिमेंट एक तत्व होता है, यानी कि एक दो तीन नोड से दो एलिमेंट बना। और इसी तरह आप लोगों का दो नोड से एक एलिमेंट, यानी कि ये दिख रहा है 1 2 2 एक एलिमेंट है, 2 2 3 दूसरा एलिमेंट है। अगर ट्रायंगल दिख रहा होगा आप लोग को तो इसमें तीन नोड है और तीन एलिमेंट है, यानी कि कुल मिलाकर ये आप लोग का नोड और एलिमेंट ऐसे ही होता है, कितना भी कुछ भी हो जाए। ठीक, ये इस तरह से हो गया आप लोग का नोड और एलिमेंट। अगर हम लोग यहाँ पे एक रेक्टेंगल की बात करें तो यहाँ पे चार नोड है और एलिमेंट भी चार है, देख रहा हो। तो ये होता है आप लोग का नोड और एलिमेंट। अब ये क्या होता है कि वन डायमेंशनल भी होता है, टू डायमेंशनल भी होता है और थ्री डायमेंशनल होता है। वन डायमेंशनल में हमको केवल और केवल लाइन दिखता है इस तरह से, जो टू डायमेंशनल होता है वो सामने से फ्रंट व्यू उसका क्लियर दिखता है, जो थ्री डायमेंशनल होता है उसका टॉप व्यू भी दिखता है, फ्रंट व्यू भी दिखता है और साइड व्यू भी दिखता है। तो ये होते हैं खासियत वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल के लिए। इसको सॉल्व करने के अलग अलग मेथड हैं, तो इसको तीन स्टेप में किया जाता है। पहला क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन के लिए सॉल्व करने के लिए हमको ट्रायल सॉल्यूशन लेना पड़ता है। उसके बाद हमको उसका डोमेन रेसिड्यूअल निकालना पड़ता है और उसके बाद तीसरा स्टेप होता है उसको मिनिमाइज करना। ठीक, यानी कि तीन चरण होते हैं, यानी तीन स्टेप्स होते हैं, ये आपको हमेशा करने होंगे, ट्रायल सॉल्यूशन, डोमेन रेसिड्यूअल और मिनिमाइजेशन ऑफ डोमेन रेसिड्यूअल। तो ये आप लोग का दो होता है ट्रायल सॉल्यूशन, एक पॉलीनोमिनल इक्वेशन होता है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता है। तो जो पॉलिनोमिनल इक्वेशन होता है वो नॉर्मल होता है, क्या क्या होता है, सी जीरो प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी थ्री एक्स क्यूब प्लस सी फोर एक्स की पावर फोर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आप लोग का जो होता है पॉलिनोमिनल इक्वेशन होता है। उसी तरह ठीक आप लोगों का होता है एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जिसमें सी वन प्लस सी टू सी थ्री इस तरह से वो कांस्टेंट बढ़ता है और उसमें साइन का यूज होता है, सी जीरो प्लस सी वन साइन एक्स प्लस सी टू साइन एक्स टू इस तरह से बढ़ते जाता है। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का यूज जो होता है वो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए होता है, जबकि पॉलिनोमियल इक्वेशन नॉर्मल बीम के लिए यूज करते हैं। ठीक, तो यह होता है आप लोग का FEM बनाने के, यानी FEM के फर्स्ट यूनिट के इक्वेशन, यानी किसी बीम के सॉल्यूशन को सॉल्व करना। ठीक, तो ये था तरीका। अब देखिए, ये मान लीजिए कि एक कोई बीम है। ठीक, इस बीम के लिए अगर डोमेन रेसिड्यूअल की बात करें तो क्या होता है, ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, यानी कि ये आर डी, डोमेन रेसिड्यूअल को आर डी से डिनोट करते हैं और इसी को मिनिमाइज करने के लिए जीरो का यूज करते हैं। ये आप लोग का एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ओके।